हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। ये एस्टेट 2023 के लिए ये एक मॉडल सेट है। आप इसे मॉक टेस्ट भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के जो भी अभ्यर्थी हैं जो इस बार एस्टेट 2023 में बैठने जा रहे हैं, अब समय नहीं है। समय 4 से 5 दिन है और पता ना आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर किस डेट को पड़ेगा, लेकिन 4 तारीख से पेपर शुरू होने जा रहा है। समय एकदम नहीं है कि कहीं आप ऑनलाइन क्लासेस करें या पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट को कवर करें। आपके पास जो भी नोट्स है, आपने जो भी पढ़े हैं एमसीए या बीटेक, उस नोट्स से रिवीजन बस कीजिए और मॉडल सेट जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाइए, वही आपके लिए सही है। आपके लिए मैं कुछ मॉडल टेस्ट डालूंगा। समय तो काफ़ी कम है, फिर भी कोशिश करूंगा 10-15 जितना हो सके मॉडल टेस्ट या मॉक टेस्ट बोलिए, मॉक टेस्ट मैं आपके लिए डाल दूँ। आपका जो पेपर है उसमें 100 नंबर का कंप्यूटर आने जाने को है, 100 नंबर का कंप्यूटर आएगा, लेकिन ये जो भी हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं ये 50+ क्वेश्चन इसमें रहेंगे, ठीक है। तो आप इसमें पहले अपने से कोशिश कीजिए बनाने का, फिर मैं तो बना ही रहा हूँ, मैं तो उसे एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा देर के लिए पॉज करके पहले उसे आंसर आप खुद से देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। आपका समय बहुत ही कम है और मैं इधर उधर के बातों में आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि C++ किसने इन्वेंट किया, हु इन्वेंटेड C++। तो सबको पता होगा, जार्ने स्ट्रॉ इसको बोलते हैं, ठीक है। डेनिस रिची का नाम है जिन्होंने सी बनाया, ठीक है, थोड़ा सा इनको भी ध्यान में रख के चलना है। डेनिस रिची, इन्होंने क्या बनाया, सी लैंग्वेज बनाया। C++ क्या है, तो C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए ये ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक 3 नंबर ऑप्शन है, थोड़ा इस पर भी गौर कर लीजिए। यहाँ पे लिख रहा है बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये वाला ऑप्शन एकदम सटीक बैठ रहा है, क्योंकि ये 100% इसका सही होगा, 3 नंबर आंसर, ठीक है। 3 नंबर नहीं, हालांकि सी इसका ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखिए क्या कर रहा है। विच इज मोर इफेक्टिव वाइल कॉलिंग C++ फंक्शन। देखिए आपको पता होगा कि जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल बाई वैल्यू भी कॉल करते हैं, कॉल बाई रेफरेंस भी कॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव वर्ड है, ठीक है, मोर इफेक्टिव बोल रहा है, तो यहाँ पे ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा, सी नहीं, ठीक है, सी नहीं होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो ये रहा आपका सही आंसर। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टर्मिनेट द फंक्शन डिक्लेरेशन। जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसको टर्मिनेट किस सिंबल से करते हैं, तो वो सेमी कोलन से टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। तो सेमी कोलन आपको तो पता होगा ही, सेमी कोलन कैसा दिखता है। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि द C++ कोड विच कॉजेज एबनॉर्मल टर्मिनेशन बिहेवियर ऑफ ए प्रोग्राम शुड बी रिटेन अंडर डैश ब्लॉक। यहाँ पे बोल रहा है कि जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो एबनॉर्मल टर्मिनेट कर जाता है, मतलब आप बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में हैंग हो जाता है, कोई रन टाइम एरर आ जाता है जिसके चलते आपका प्रोग्राम बीच में ही बंद हो जाता है, तो वैसे कोड को हम लोग ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी नंबर सही हो रहा है, ट्राई कैच ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो ये ट्राई ब्लॉक के अंदर ऐसे कोड को लिखा जाता है जो कोड रन टाइम पे एरर दे सकता है, उसको हम लोग ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। 6 नंबर क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास अलाउ टू डिक्लेयर ओनली वन ऑब्जेक्ट। देखिए वन ऑब्जेक्ट जब बोलेगा तो सिंगल टोन क्लास होगा, इसको रट जाइए, सिंगल ऑब्जेक्ट तो सिंगल टोन। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का टाइप कौन नहीं है, नॉट लगा है, ठीक है, तो ये ए नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा, फ्रेंड कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं होता है, बाकी ये तीनों कंस्ट्रक्टर का टाइप है। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑपरेटर इज ओवरलोडेड फॉर ए सी आउट ऑब्जेक्ट। आप इसको ऐसे समझिए, सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ आप कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं, तो आप सी आउट ऑपरेटर के साथ ये वाला ऑपरेटर लगाते हैं जिसे बोलते हैं इंजर्सन ऑपरेटर, ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होता है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड विथ द वर्चुअल कीवर्ड। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रक्टर, नहीं सॉरी सी नंबर हो जाएगा कंस्ट्रक्टर। ये हो गया आपका सही आंसर। कंस्ट्रक्टर के साथ हम वर्चुअल कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट लेट बाइंडिंग? लेट बाइंडिंग की बात कर रहा है, ठीक है। अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, अगर आपको याद होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो वर्चुअल फंक्शन जो भी हम बनाते हैं वो लेट बाइंडिंग के तहत ही वो काम करता है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें कौन करेक्ट है, ठीक है। देखिए इतना मतलब बगल में जो भी इतना कुत्ता भौंक रहा है उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। बैकग्राउंड में आपको हो सकता है परेशान करे लेकिन उसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट, इज करेक्ट, इसमें से कौन सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको पॉज करके देखिए कौन सही है, फिर आप इसका आंसर डी नंबर हुआ, ठीक है। C++ allows both static and dynamic type checking, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप देख रहे होंगे, ये जो भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है ना ये एकदम मॉडरेट टू हाई जा सकता है, ठीक है, मॉडरेट टू हाई लेवल। तो ऐसा तैयारी करके जाइए ताकि वहाँ पे अगर थोड़ा सा हाई लेवल का भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे बना पाए। तो इसी के लिए काफ़ी स्टैंडर्ड का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये बोल सकते हैं BPSC तैयारी का जो एग्जाम हुआ है उस लेवल का है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। करें विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटेन इन बाइनरी कोड? आपको पता होगा बाइनरी कोड में मशीन लैंग्वेज को ही लिखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? ये आसान सा क्वेश्चन है, CPU को बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर? कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक कौन नहीं है? तो ये हो गया IQ, ये यही तो नहीं है कंप्यूटर के पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब DBMS का फुल फॉर्म बोल रहे हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देख लीजिए कहाँ पे है, बी नंबर ऑप्शन है। DBMS क्या है, DBMS क्या है? तो ये है सी नंबर ऑप्शन, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, ठीक है। तो ये डायरेक्ट डिफिनेशन से आपका आ गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है, आपको उसको ध्यान रखना है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। विच टाइप ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन DBMS? तो इसमें ऑल ऑफ द एबव आ जाएगा, हर तरह के डाटा को हम लोग DBMS में स्टोर करते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी हमने ये मॉक टेस्ट तैयार किया है, यहाँ पे जो भी आपका सिलेबस है उन सारे टॉपिक से कवर करने की कोशिश किया गया है, लेकिन 85 क्वेश्चन है ना, तो आप बोल सकते हैं 50% आपके सिलेबस से इस मॉक टेस्ट में आ जाएगा। दूसरा या तीसरा मॉक टेस्ट डालेंगे तो फिर उसमें 50% जो बचेगा उसको हम उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स डाटा इज स्टोर्ड इन डाटाबेस? डाटाबेस में टेबल के फॉर्म में डाटा को हम स्टोर करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डाटाबेस? ये डाटाबेस का जो भी टाइप होता है अगर आपके दिमाग में हुआ तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये तीनों डाटाबेस का टाइप होता है लेकिन ये नहीं होता है, तो यही हो गया आपका आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS? तो DBMS का एग्जाम्पल कौन नहीं है, तो गूगल नहीं है, ठीक है। बाकी ऊपर वाला सब DBMS का एग्जाम्पल है। गूगल क्या है, ये वेबसाइट है। सी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ DBMS? DBMS का फीचर कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा सी नंबर, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। ये BPSC TRE का क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको उस लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये BPSC TRE का जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ DBMS? DBMS का कौन सा फंक्शन है, तो ये सारा DBMS का फंक्शन है, ठीक है। डाटा को स्टोर करना, फिर मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड कराना और डाटा इंटीग्रिटी, ये सब DBMS का फंक्शन है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ DBMS? तो देखिए कंपोनेंट DBMS का कंपोनेंट में ही सारा आ जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन ये क्या है कि एक आपको क्वेरी दे दिया गया है SQL का, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है।
कह रहा है कि विच कीवर्ड मस्ट बी यूज्ड हियर टू रीनेम द फील्ड नेम। फील्ड नेम को रीनेम करना है, तो ये रहा आपका फील्ड का नाम, मतलब कॉलम का नाम, और उसको इस नाम से रीनेम करके दिखाना है क्वेरी के रिजल्ट में, तो उसके लिए हम लोग एज कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका सही आंसर। देखिए यहाँ पे भी इसको भी थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज टू बी एडेड इनटू द ब्लैंक टू सेलेक्ट द डिपार्टमेंट नेम विच हैज कंप्यूटर साइंस एज इट्स एंडिंग स्ट्रिंग। ये कह क्या रहा है कि जो भी आप क्वेरी लिखे हैं उसमें आपको वैसे वैसे फील्ड को सिलेक्ट करना है जिसका डिपार्टमेंट का नाम के लास्ट में कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है। डिपार्टमेंट का नाम कुछ भी हो शुरू में, लेकिन लास्ट में कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ हो, यहाँ पे कुछ भी हो, तो इस पार्ट में हम लगा देंगे परसेंट। तो जब परसेंट सिंबल आप लगा दीजिएगा तो यहाँ पे कुछ भी हो लास्ट, मतलब वैसे फील्ड जिसके शुरू में कुछ भी हो लेकिन लास्ट में कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, तो वैसे वैसे फील्ड को क्या करेगा, ये सेलेक्ट करेगा और फिर आपको रिजल्ट के तौर पे दिखा देगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो भी होगा ना, उसको पहचानने का तरीका क्या है, लाइक लगा होगा उसमें, कीवर्ड क्या लगा होगा, लाइक। लाइक का मतलब क्या, मिलता जुलता शब्द को पकड़ना है, तो कंप्यूटर साइंस से मिलता जुलता आपको क्या पकड़ना है, डिपार्टमेंट को पकड़ना है। ठीक है, आइए 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट द ऑर्डर, ऑर्डर बाय क्लॉज होता है यहाँ पे लगा हुआ है, बाय डिफॉल्ट द ऑर्डर बाय क्लॉज लिस्ट आइटम इन डैश ऑर्डर। तो ऑर्डर बाय क्लॉज है ना, वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट देता है, तो आपका आंसर हो गया डी, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट देता है, लेकिन अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट देखना चाहते हैं तो डी ई एस सी यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट में, डी ई एस सी, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा देता है। तो वो तो वो थोड़ा सा आप कंसेप्चुअल थोड़ा डीप में जाइएगा तो उस तरह का क्वेरी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो बस क्या करना है, हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं। आइए 27 नंबर क्वेश्चन पे क्या कर रहा है, द डैश फॉर्मेट इज यूजुअली यूज टू स्टोर डाटा। डाटा को स्टोर किया जाता है बीसीडी फॉर्मेट में, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो सही आंसर क्या हो गया, ए। द 8-bit इनकोडिंग फॉर्मेट यूज्ड टू स्टोर डाटा इन ए कंप्यूटर इज, तो यहाँ पे 8-bit में आ जाता है EBCDIC। ठीक है, तो इसका इस सब का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, कहीं से भी नेट से खोज के हम यहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फुल फॉर्म का एक अलग से ना होगा तो वीडियो ही हम दे देंगे, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि याद कर ले, कहीं से लिख लें। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर से है। सोर्स कोड प्रोग्राम इज यूजुअली इन, जो भी सोर्स कोड होता है ना उसको हम लोग हाई लेवल में लिखते हैं, हाई लेवल में लिखा गया जो भी कोड है उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड, और मशीन कोड मतलब 01 में लिखा हुआ कोड। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर से बना हुआ मेमोरी, तो उसमें रैम आ जाता है, सेमीकंडक्टर से बना हुआ मेमोरी रैम। लेकिन आजकल के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखिएगा तो हार्ड डिस्क भी आ गया है सेमीकंडक्टर से बना हुआ, लेकिन फिर भी आपका सही आंसर ए ही होगा। ठीक है, आप हार्ड डिस्क मत मारिएगा वहाँ पे, क्योंकि इतना लेटेस्ट क्वेश्चन को अपडेट नहीं किया जाता है, तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रैम, रैम सेमीकंडक्टर होता है। हम लोग जो भी SSD वाला लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हार्ड डिस्क SSD जो भी होता है ना, तो ये सेमीकंडक्टर से ही बना हुआ SSD होता है, तो उस पर मत जाइएगा। ठीक है, आप रैम ही लगाइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द स्मॉल एक्सट्रीमली फास्ट, जब बोलेगा एक्सट्रीमली फास्ट, तो यहाँ ऑप्शन में रजिस्टर होगा तो रजिस्टर सही हो जाता है, लेकिन रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे कैश सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो भी मेमोरी हायरार्की है उसमें सबसे फास्ट होता है रजिस्टर, फिर आता है कैश, फिर आता है रैम। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द ALU मेक्स यूज ऑफ डैश
टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट, जब भी इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने की बात आएगी तो वहाँ पे एक्यूमुलेटर सही हो जाएगा, ठीक है। एक्यूमुलेटर एकदम ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करना है तो एक्यूमुलेटर। 33 नंबर क्वेश्चन, ये भी बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन ये आया हुआ था और अधिकतर लोगों ने इस क्वेश्चन को गलती मार के आया है। लिख रहा है द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग, कौन सा कोड मतलब कौन सा सिग्नल जनरेट करता है कंट्रोल यूनिट। आपको पता होगा कि प्रोसेसर में ALU होता है, CU होता है, जो भी हमारा प्रोसेसर है इसका दो गो पार्ट होता है ALU और CU, तो CU कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो ये क्या करता है, टाइमिंग सिग्नल जनरेट करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाइमिंग सिग्नल। और ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में दो जगह पर था, सेम क्वेश्चन दो बार आ गया था, ठीक है। तो इसका अधिकतर लोगों ने गलत आंसर मार दिया, कंट्रोल सिग्नल मार के आया था अधिकतर लोगों ने, जो कि गलत हो गया था, दो नंबर वैसे ही गया उन लोगों का। आइए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली मेक यूज ऑफ, तो यहाँ पे कैश सही होगा, कैश का यूज करते हैं कंप्यूटर फास्ट हो जाए, तो ये क्या करेगा, कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा तो एक्सेस टाइम को कम से कम कर देगा। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, डैश इज जनरली यूज टू इंक्रीज द अपेरेंट साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी। देखिए फिजिकल मेमोरी को इंक्रीज करने की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं रैम को इंक्रीज करने की बात आ रही है, तो वर्चुअल मेमोरी के द्वारा रैम को इंक्रीज करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आइए 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 क्या कर रहा है, व्हाट इज द डाटा स्ट्रक्चर, तो डाटा स्ट्रक्चर क्या है, सी नंबर इसका सही आंसर होगा, ए वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा, ठीक है, इसका आंसर हो गया सी। ये डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया है, अधिकतर जो भी आपका यूनिट है उससे क्वेश्चन को कॉलेक्ट करके एक आपके लिए बेस्ट जो भी मॉक टेस्ट तैयार करने की कोशिश किया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उनका भी भला हो जाए। ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि हाँ हम आपसे आगे या हम आपसे पीछे, बस क्वालिफाई हो जाइए। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर कर दें। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एरे, एरे का डिसएडवांटेज बोल रहा है, ठीक है। तो ये डी नंबर ऑप्शन इसके लिए सही हो जाता है, देयर आर चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी। देखिए मेमोरी का वेस्टेज एरे में खूब होता है, एरे का साइज आपने 50 डिक्लेयर कर दिया और आपने डाटा रखा 10, तो 40 जो साइज है वो वेस्ट हो गया, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच डाटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन, रिकर्सन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा हम स्टैक का यूज करते हैं, तो स्टैक इसका हो गया सही आंसर। 39, द डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन बैलेंस्ड पैरेंथेसिस, जब भी एक्सप्रेशन को ठीक करने की बात करेगा, मतलब कि उसमें पैरेंथेसिस सही जगह पे लगा है कि नहीं लगा है, तो उसको चेक किया जाता है स्टैक का यूज करके। तो स्टैक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उनमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे इनफिक्स टू प्रीफिक्स में या इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, यहाँ पे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स लिखा हुआ है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन अगर आप कन्वर्जन करते हैं तो वहाँ पे भी स्टैक का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर हो गया स्टैक। अब यहाँ पे देखिए आपको एक इनफिक्स दिया है, इसका प्रीफिक्स वर्जन आपको क्या करना है, बनाना है, तो इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है। इनफिक्स में इनफिक्स से प्रीफिक्स कैसे बनाते हैं, इनफिक्स से पोस्टफिक्स कैसे बनाते हैं, ठीक इसका फिर उल्टा, पोस्टफिक्स दिया रहेगा उससे आपको इनफिक्स निकालना है, प्रीफिक्स दिया रहेगा उससे आपको इनफिक्स निकालना है, तो ये सब नोटेशन आप जरूर सीख लीजिएगा कहीं से भी। अगर आपको सीखना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं स्पेशल वीडियो अलग से ला दूंगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि विच डाटा स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन लिफो, तो लिफो हम लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये हमेशा स्टैक में होता है, ठीक है। फिफो,
जो होता है वो क्यू में होता है। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मेक्स यूज ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है एलोकेटिंग सीपीयू टू रिसोर्सेज, सीपीयू को मतलब रिसोर्स एलोकेट करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। चौवालीस नंबर क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ क्यू, क्यू का सॉरी यहाँ पे क्या कर रहे हैं टाइप है, कौन सा क्यू का टाइप नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सिंगल इंडेड कोई क्यू नहीं होता है, ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, बाकी क्यू का टाइप है। व्हाट इज एन एवियल ट्री, एवियल ट्री एक बैलेंस्ड ट्री होता है, तो ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। लिख रहा है कि ये बैलेंस्ड एंड इज ए हाइट बैलेंस्ड ट्री, तो ये काफ़ी बैलेंस्ड होता है, ठीक है। एवियल ट्री आपके डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ना है, और जब आप एवियल ट्री बनाइएगा तो उसमें इसको बैलेंस करने का दो तीन तरीका भी होता है, उसको भी सीखना होता है। तो ये सब डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, ये भी आपका डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। आपके सिलेबस में इस तरह का लिखा हुआ है टावर ऑफ हनोई, तो उससे मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है, टावर ऑफ हनोई से। तो क्या कर रहा है कि द ऑप्टिमल डाटा स्ट्रक्चर यूज टू सोल्व टावर ऑफ हनोई, तो टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्टैक का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। स्टैक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 47 पे आते हैं, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर फॉर रिवर्सिंग ए वर्ड या ए स्ट्रिंग, इस तरह से लिख देगा, तो यहाँ पे स्टैक सही होगा। स्टैक का इस्तेमाल ही हम लोग करते हैं किसी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए। आइए 48 पे चलते हैं, यहाँ से नेटवर्किंग का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए राउटिंग इन्फॉर्मेशन को पढ़ के, राउटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके ही पैकेट को फॉरवर्ड करना है, तो राउटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, विच ऑफ दिस इज नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस। नेटवर्क एज डिवाइस का मतलब कि जो भी नेटवर्क है उसके एंड पर का डिवाइस कौन नहीं है, तो पीसी, स्मार्टफोन, सर्वर, ये सब एंड पर का डिवाइस है, और बीच का डिवाइस हो गया आपका स्विच से राउटर, ये सब बीच में लगा रहता है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क शेयर द कम्युनिकेशन चैनल एमोंग ऑल द मशीन। ऑल की बात कर रहा है तो हमेशा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, मतलब सारे डिवाइसों को हमको क्या करना है, डाटा पहुंचा देना, तो ब्रॉडकास्ट, जैसे कि रेडियो क्या करता है, रेडियो ब्रॉडकास्ट करता है। अब आज 51 नंबर, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन बस, जो भी बस टोपोलॉजी है इसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे कि व्हाट इज द टर्म फॉर द डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन ए बिल्डिंग। जब भी बिल्डिंग की बात करें, एक ही बिल्डिंग में किसी तरह का नेटवर्क है, तो उस नेटवर्क को क्या बोलेंगे, तो लैन, एकदम ध्यान रखिएगा लैन। 53 में बोला है फर्स्ट नेटवर्क कौन है, तो फर्स्ट नेटवर्क हमेशा मारिएगा आरपा, आरपा नेट फर्स्ट नेटवर्क है, ठीक है। अब आ गए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, जो है 54, हमने बोला था कि 50 प्लस क्वेश्चन दूंगा, यहाँ पे 54 क्वेश्चन है। करेक्ट, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर या हब। तो जब इस सेंट्रल की बात आएगी तो आप क्या लगा कहिएगा, स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल डिवाइस होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला मॉक टेस्ट, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा,
और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया मॉक टेस्ट लेकर। चलिए, थैंक यू देखने के लिए।